और इस बीच अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर, बाबूलाल कटारा के बाद अब रामूराम रायका को एसओजी लेकर पहुंची है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, अजमेर से आ रही है अपडेट। ये आरपीएससी के उस पेपर लीक का मामला है, जहां पर 2021 में एसआई पेपर लीक का मामला जब सामने आया तो जांच का दायरा बढ़ता चला गया, आरपीएससी के मेंबर्स इसकी चपेट में आने लगे, यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। रामूराम रायका वही व्यक्ति हैं जिनके बेटे और बेटी की इसी परीक्षा में अच्छी रैंक आई, उन्होंने न केवल रैंक हासिल की बल्कि इस दम पर वो ट्रेनिंग के लिए भी चले गए। और अब जब रामूराम रायका की भूमिका संदिग्ध पाई गई तो उनके बेटे और बेटी के सिलेक्शन पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और इसी बीच ये अपडेट कि रामूराम रायका को एसओजी की टीम लेकर पहुंची है। बिल्कुल, और इससे पहले आपको बता दें कि पूर्व आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा को एसओजी लेकर पहुंची थी दफ्तर, वहां पर पूछताछ की गई, काफी लंबे समय से बाबूलाल से यहां पर पूछताछ की जा रही थी और अब रामूराम रायका को एसओजी लेकर पहुंची और उससे भी पूछताछ की जाएगी। लगातार रिमांड पर आरपीएससी के दोनों ही पूर्व सदस्य जिनकी इसमें अहम भूमिका रही है, दोनों से एसओजी ने सामने बिठाकर भी पूछताछ की है। इसके अलावा जो ट्रेनी एसआई अभी तक गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। रायका के बेटा और बेटी के साथ में और भी ट्रेनी एसआई जो हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। एक के बाद एक जो नाम है वो सामने आ रही है और अभी तक की पूछताछ में रामूराम रायका के जो बेटा और बेटी हैं उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि कई और ट्रेनी एसआई हैं जो कि अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऐसे ट्रेनी जिन्होंने नकल करके ही इस परीक्षा को पास किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अजमेर से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि एसओजी के पास एसआई भर्ती में हुए फर्जीवाड़े को लेकर कई अहम सुराग हैं, जिसके चलते एसओजी की टीम रिमांड पर चल रहे ट्रेनी एसआई विजेंद्र और रितु शर्मा को लेकर उनके घर और अन्य ठिकानों पर भी गई है। इस सर्च के दौरान एसओजी को दोनों ट्रेनी एसआई के घर से पैसों के लेन देन का हिसाब मिल चुका है, ये एक बड़ा सबूत है। इस हिसाब को लेकर एसओजी की टीम ने जब दोनों ट्रेनी एसआई से मौके पर पूछताछ की तो दोनों ने जानकारी होने से इनकार कर दिया। एसओजी की अब तक की जांच ने यह साबित कर दिया है कि एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपियों का नेटवर्क चिड़ावा से लेकर जोधपुर तक फैला है और दोनों ट्रेनी एसआई के घर पर हुए सर्च के दौरान एसओजी की टीम को एक डायरी भी मिली, इस डायरी में पैसों के लेन देन का जिक्र भी है, हालांकि दोनों ट्रेनी एसआई ने इसकी पुष्टि अब तक नहीं की है। खैर, रिमांड पर चल रहे हैं, रिमांड पर लेंगे, थोड़ी पूछताछ सख्ती से होगी तो मुंह खोल ही देंगे। और अजमेर से मेरे सहयोगी अभिजीत दवे छुड़ गए हैं, सीधे अभिजीत का रुख करते हैं। अभिजीत, रामूराम रायका को लेकर एसओजी की टीम पहुंची है, पहले बाबूलाल कटारा और अब रामूराम रायका। बिल्कुल हार्दिक, ठीक डेढ़ घंटे के बाद, डेढ़ घंटे पहले यानी करीब 1:20 से 1:25 के बीच में एसओजी की टीम बाबूलाल कटारा जो निलंबित सदस्य है उनको लेकर आरपीएससी पहुंची थी और करीब डेढ़ घंटे उनसे जो पूछताछ हुई है उस डेढ़ घंटे के बाद अब से कुछ मिनट पहले ही जो पूर्व सदस्य हैं जो एसओजी की गिरफ्त में है रामूराम रायका, उनके बेटे और उनकी बेटी तीनों को लेकर एसओजी की टीम जो है आरपीएससी के अंदर पहुंची है। और क्या कुछ बाबूलाल कटारा से इस एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में अब तक एसओजी ने आरपीएससी में पहुंचकर जो कुछ भी जानकारियां जुटाई है उस जानकारियों को जुटाने के बाद अब उसका क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए एसओजी की एक दूसरी टीम जो 4 से 5 गाड़ियां थी बोलेरो गाड़ियों में सवार होकर यहां पहुंची है और कड़े सुरक्षा घेरे में उनको जो है अंदर ले जाया गया है। और अब जो बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका है जो दो पूर्व सदस्य हैं, एक निलंबित और एक पूर्व सदस्य, उनके उनसे आपस में पूछताछ की जाएगी। आप देखिएगा, ये देखिए, ये आप सीधा पिक्चरों में देख सकते हैं, ये रामूराम रायका है, इनका यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा एंट्री का आरपीएससी में, उसके बाद आगे की प्रक्रिया समझाइए। पीछे इनकी बेटी आ रही है, देखिए आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, और ये पीछे उनका बेटा है। ये तीनों को अब से कुछ ही मिनट पहले आरपीएससी की टीम जो है माफी जगह एसओजी की टीम वो आरपीएससी में लेके आई थी और यहाँ से उनका रजिस्ट्रेशन होगा आरपीएससी के अंदर। प्रमाइसिस में एंट्री का जो एक नया मैकेनिज्म डेवलप किया गया उसके बाद में बाबूलाल कटारा से जो कुछ भी तफ्तीश में सामने आया है, खासतौर से आज की तफ्तीश में जो आरपीएससी में अंदर की गई है उसके बाद उसका क्रॉस वेरिफिकेशन जो है वो किया जाएगा और उसके बाद चीजें और ज्यादा सिंप्लीफाइड होने की उम्मीद है। नजरिए से देखा जाए एसओजी के जो अभिजीत सिंप्लीफाइड के साथ साथ ये कहा जाए कि और भी ऐसे कई सदस्य हैं, ऐसे कई कर्मचारी जो हैं उनकी भूमिका भी सामने आ सकती है। अगर आरपीएससी के दो सदस्य हैं तो और भी नाम हो सकते हैं, लिस्ट लंबी हो सकती है।
देखिए अंकुर, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जांच का दायरा बड़ा है, जांच जो है अब उस जगह पर आकर पहुंची है जहां से ये पूरा खेल ये दोनों मेंबर्स मिलकर चला रहे थे। और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अलावा भी बाबूलाल कटारा का नाम सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के साथ साथ वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक से भी जुड़ा हुआ है। तो और कितने अंदर खाने में और ऐसे कितने भेदी बैठे हुए हैं वो पता लगाना एसओजी का काम है। साथ ही साथ बाहरी लोग कितने इन्वॉल्व थे और ये सप्लाई ऑफ चेन, ये सप्लाई ऑफ चेन में कितने बेनिफिशरीज और जुड़े हैं उनका पता लगाना ही एसओजी का मुख्य काम है। और वही करने के लिए एसओजी की टीम आरपीएससी पहुंची है। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि अब ये यहाँ पर एक जो औपचारिकता है पीएससी में एंट्री का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, अब पीएससी के अंदर जब इंस्ट्रोगेश होगा आमने सामने बैठेंगे बाबूलाल कटारा, रामू राम राय का, ये दो के अहम किरदार हैं इस पूरी भर्ती पेपर लीक मामले के। इन दो अहम किरदारों से अब जो है और बाकी की चीजें उगलने का प्रयास जो है एसओजी की टीम करेगी। कुछ दस्तावेज हैं, चूंकि बाबूलाल कटारा का चैम्बर जो है वो लंबे समय से एसओजी की ओर से सील था क्योंकि वो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हो चुके थे। तो आज जब वापस से उनको 10 महीने के बाद आरपीएससी में लाया गया है तो उस सील चैम्बर को खोलने के लिए एक आरएएस लेवल के ऑफिसर को भी बुलाया गया था। और जो कुछ भी सर्च वहां पर चला है उस सर्च नोट पर की जो सर्च नोट तैयार किया गया है वो उस आरएएस ऑफिसर की मौजूदगी में किया गया है। उनकी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन सामने आई है क्या कि उनके चैंबर से अगर कुछ दस्तावेज और मिले हो, कई और खुलासे जिससे हो सके, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आई है क्या? देखिए आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ भी अभी तक निकल के सामने नहीं आया है अंकुर, लेकिन आप ये सब चीज समझिएगा कि 10 महीने बाद वापस से बाबूलाल कटारा को आरपीएससी में लेके आना, उसका चैम्बर खुलवाना, इसका मायने ये है कि जब आरपीएससी में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक मामला हुआ था तब जांच का दायरा उस एक परीक्षा के पेपर लीक से जुड़ा हुआ था। तो उस समय उससे जुड़ी हुई जो भी चीजें थी वो एसओजी ने जब्त की थी, उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लिया था। लेकिन चूंकि अभी आपने कहा कि एक परीक्षा से जुड़ा हुआ मामला था, आप बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, आप जिस खबर को कवर कर रहे हैं आप इसकी गंभीरता को समझते हैं? ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य हैं, आप इस बात को जानते हैं कि अगर ये एक परीक्षा में धांधली कर सकते हैं तो आरपीएससी द्वारा आयोजित बाकी की तमाम परीक्षाओं पर, उनके सिलेक्शन पर, उनके रिजेक्शन पर, उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया पर, सब पर सवाल खड़े होते हैं। पूरे के पूरे स्टेट में जितनी सरकारी भर्तियां हुई सब पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में तो इसमें कोई दो राय नहीं है हार्दिक, और ऐसा हुआ भी है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक के बाद सब इंस्पेक्टर अपने आप में इसका प्रमाण है। दो भर्ती परीक्षाएं तो अब कागजों पर दस्तावेज के रूप में, पेपर लीक के रूप में सामने आ चुकी हैं। और यही मैं कहना चाह रहा था उस समय कि बाबूलाल कटारा का 10 महीने बाद वापस से आरपीएससी में लेके आना, उनका चैम्बर वापस से खुलवाना इस बात को प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं बाबूलाल कटारा के चैम्बर में ऐसे और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए हों। और दूसरी और कितनी परीक्षाओं की जिम्मेदारियां इन दोनों मेंबर्स के पास थी उसका ब्यौरा ऑब्वियसली एसओजी के पास है, उस पर वो इन्वेस्टिगेट कर भी रही है। उसमें इन्वेस्टिगेट ये करना है कि वो बाकी अन्य परीक्षाओं में भी क्या इन दोनों ने कोई मिलीभगत का खेल चलाया है, कहीं कोई लैकुना क्रिएट किया है, कहीं कोई माइल फंक्शनिंग हुई है। ये सब चीजें पता करने के लिए ही एसओजी अब दोनों को आमने सामने बैठाकर उनके चैम्बर, देखिए बाबूलाल कटारा अभी भी आरपीएससी के टेक्निकली मेंबर हैं, हालांकि राज्यपाल की ओर से उन्हें निलंबित कर दिया गया है लेकिन बर्खास्तगी के आदेश राष्ट्रपति की ओर से अभी तक नहीं आए, तो वो उनका चैम्बर अभी भी सील रहेगा। लेकिन रामू राम राय का पिछले साल सदस्य के पद से रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह पर नए सदस्य की नियुक्ति हो चुकी है, तो उनका जो चैम्बर है वहां पर अब जो नए सदस्य हैं वो अपनी वर्किंग को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उनके चैम्बर से किस तरह की चीजें ले सकते हैं, लेंगे या ले पाएंगे नहीं पाएंगे, वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, वो समय के साथ साफ हो पाएगा कितना है कितना नहीं है। लेकिन चूंकि बाबूलाल कटारा के पास जिम्मेदारी थी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की, तो वो कितना कुछ इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने कितना इसमें खेल खेला है पैसों का, वो तमाम चीजें जो है वो यहां पर अब ये एसओजी की जो टीम यहां पर पहुंची और जो भी कुछ उन्होंने अपने कब्जे में लिया है उसके बाद ये पूरा खुलासा हो पाएगा कि क्या कुछ उनके हाथ लगा है। लेकिन क्या अभिजीत और भी कुछ ऐसे जगह है क्या जहां पर दबिश दी गई है? सूचना है कि और भी जगहों पर जो एसआई ट्रेनीज है उनके यहां पर भी टीम पहुंची है। मैं इसमें और ऐड कर देता हूं, चिड़ावा और जोधपुर का जिक्र बार बार हो रहा है कि वहां पर ऐसी कोई डायरी मिली है एसओजी को जो कि इस केस को एसओजी के पक्ष में ले आती है। और इन एसआई ट्रेनी भर्ती परीक्षा से आए जितने भी ट्रेनी एसआई हैं इन सबकी पोल खोलकर रख देती है। जी अभिजीत,
देखिए हार्दिक और अंकुर, मैं इसी चीज को कह रहा हूँ कि सप्लाई ऑफ चेन को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने के लिए ही एसओजी की टीम यहाँ पर पहुंची है। जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो चिड़ावा का मसला हो, चाहे वो जोधपुर का मसला हो, उस चीज को चैनलाइज करने के लिए और सप्लाई चेन में कौन कौन इन्वॉल्व है, इन सभी को आइडेंटिफाई करने के लिए ही एसओजी की टीम जो है न सिर्फ दोनों गिरफ्तार मेंबर्स, पूर्व मेंबर्स रहे उनको लेके आई है, बल्कि साथ ही साथ रामू राम रायका के बेटा और बेटी को लेके आए। ये जो है ये अप्रत्याशित घटना है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में इन दो के अलावा भी कई ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को अरेस्ट किया गया है, उनमें से किसी को आरपीएससी में लेके नहीं आए, लेकिन पूर्व मेंबर रामू राम रायका के बेटा बेटी को लेके आए। तो ये संभावना बहुत बड़ी हो सकती है कि जब रामू राम रायका ने बतौर आरपीएससी सदस्य रहते हुए इस गोरख धंधे को अंजाम दिया, बाबूलाल कटारा से अपनी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया, उस समय क्या उनके बेटा और बेटी भी आरपीएससी में आए थे क्या? एसओजी इस पॉइंट ऑफ व्यू पर भी इन्वेस्टिगेट। अभिजीत, ऐसे तो सवाल ये भी उठते हैं कि रामू राम रायका के सिर्फ बेटा और बेटी अभी तक सामने आए हैं, क्या पता अपने भांजा भांजी और पता नहीं कौन कौन से रिश्तेदारों को, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को भी इसी तरीके से एंट्री दिलवाई गई हो, इसी तरीके से नकल करवाई गई हो, फिर तो इस पर भी सवाल उठते हैं कि ना जाने कितने और रिश्तेदार होंगे। और अभिजीत, केवल नकल कराने का मामला नहीं होता है, तीन लेवल होते हैं, प्री एग्जाम होती है जिसमें लोगों को रिजेक्ट किया जाता है उसमें धांधली, फिर मेंस एग्जाम होती है उसमें भी धांधली, पेपर लीक करवा देते हैं, इंटरव्यू में खुद बैठे होते हैं इंटरव्यू के लिए तो अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नंबर देकर के सीधे टॉपर बना देते हैं। इस संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि और भी कोई रिलेटिव हो सकते हैं, ये जांच का विषय है और एसओजी इस मसले पर जांच कर रही है। लेकिन असल मुद्दा ये है कि अब देखिए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर पिछले लंबे समय से एसओजी काम कर रही है, कई गिरफ्तारियां हुई हैं, डिटेल जो है इंट्रोगेशन नोट्स जो है वो तैयार हुए हैं, कड़ियों से कड़ियों का जुड़ने का काम जो है वो सत्यापित हुआ है, सिलसिलेवार तरीके से वो चीजें निकल के सामने आई भी हैं। असल मुद्दा अब जो है थोड़ा सा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से परे हटके भी जा रहा है कि और कितनी भर्ती परीक्षाएं इन दोनों के कार्यकाल में संपादित, इन दोनों के मार्गदर्शन में, इन दोनों की निगरानी में हुई है, उसमें क्या कुछ कहीं कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर प्रोटोकॉल है, एसओपीज जो है आरपीएससी की, खास तौर से जो एक, चूंकि देखिए आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, यहाँ पर गोपनीयता सर्वोच्च रखी जाती है, तो गोपनीयता तो भंग हुई है, बाबूलाल कटारा ने गोपनीयता भंग की है, रामू राम रायका ने गोपनीयता भंग की है, रामू राम रायका ने तो जो एक नियम बना हुआ है, आप अगर आरपीएससी के मेंबर हैं, चेयरमैन हैं और आपका कोई ब्लड रिलेशन का बंदा एग्जाम दे रहा है तो आपको उस भर्ती प्रक्रिया से अलग होना पड़ेगा और इसकी लिखित सूचना आयोग को देनी होगी। रामू राम रायका ने इस चीज का तो पालन किया, परीक्षा से पहले चेयरमैन को लेटर लिखकर बता दिया कि उनके बेटा बेटी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में बैठ रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रक्रिया से अलग कर दिया जाए, अलग कर दिया भी गया, लेकिन दूसरा रास्ता भी तो निकाला, बाबूलाल कटारा को इंटरव्यू में बिठा दिया गया, वो दूसरा रास्ता निकाल लिया, खुद निकल गए लेकिन अपने जो साथी थे, अपने जो दोस्त थे, उन्हें यहाँ पर बिठा दिया मित्र को, तो किसी ना किसी तरीके से तो आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप हुए हैं उसमें। देखिए इसमें एक 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 बात का जिक्र और करना बेहद जरूरी है, जब एसओजी की जांच जो है वो जयपुर से निकलकर आरपीएससी तक पहुंची है तो इस चीज को भी नहीं भूलना चाहिए कि रामू राम रायका का वो वायरल वीडियो भी याद हो सबको करना चाहिए ऐसे मौके पर, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने समाज विशेष के लोगों को आगे बढ़ाता रहा हूं। तो एसओजी उस दिशा पर भी काम कर रही है कि इनकी निगरानी में, इनकी निर्देशन में जितनी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उसमें क्या अनफेवर्ड के साथ कुछ लोगों को और भी तो मेल प्रैक्टिस के जरिए सेलेक्ट नहीं किया गया, उन सब चीजों को भी जो एसओजी है वो देख रही है, खंगाल रही है इसमें, इसमें इन अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में जिसमें भी ये लोग शामिल रहे हैं, उस पूरी भर्ती परीक्षाओं की जितनी भी कड़ियां हैं जो पीएससी में जुड़ती हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं जो काम करते हैं, गोपनीयता का अलग सेक्शन है, भर्ती विज्ञापन जारी करने का अलग सेक्शन है, जब इंटरव्यू हुए थे एसआई भर्ती परीक्षा में तो बाबूलाल कटारा जो थे वो यहाँ पर पैनल में शामिल हुए थे, इंटरव्यूअर्स में शामिल हुए थे, लेकिन साथ साथ और जितने पैनल में लोग थे फिर तो उन पर भी सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के शामिल होने से कोई टॉपर नहीं बन जाएगा जब तक कि पूरा पैनल उस पर एग्री ना हो। देखिए अंकुर, आपने बहुत सही सवाल यहाँ पर रेज किया है और इसका मैं एक टेक्निकल आंसर जो आरपीएससी की प्रणाली रही है, देखिए इंटरव्यू बोर्ड जब गठित होता है, इंटरव्यू बोर्ड गठित करने का अधिकार चेयरमैन को होता है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, इंटरव्यू बोर्ड में एक्सपर्ट्स भी बैठते हैं अपार्ट फ्रॉम द मेंबर, यानी कि एक्सपर्ट्स वो जो एक पैनल आरपीएससी
तैयार करके रखता है, जिस तरीके से प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए एक पैनल आरपीएससी के पास रहता है, बहुत प्रतिष्ठित बहुत प्रमाणित ये पैनल होता है ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इंटरव्यू बोर्ड जब बैठता है तो वो दो जनों का या तीन जनों का इस तरह का इंटरव्यू बोर्ड बैठता है जिसमें जो आयोग के सदस्य हैं वो बैठते हैं, साथ ही साथ एक्सपर्ट्स भी बैठते हैं। अब यहाँ पर भी जो है जांच का विषय हो सकता है, क्योंकि अगर आपने, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड की अध्यक्षता कौन कर रहा है वो भी देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फाइनल मार्किंग जो है वो इंटरव्यू बोर्ड का चेयरमैन देगा। उस बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तीन जने अगर बैठ रहे हैं तो उन तीन जनों में सुप्रीम अथॉरिटी कौन रख रहा है, बाकी दो से सहमत असहमत वो अलग विषय। तो इसीलिए सवाल खड़े हुए कि इंटरव्यू में अधिकतम नंबर देने की जब बात निकल के आती है तो जाहिर सी बात है जब पैनल बैठेगा तो उसमें अध्यक्षता जो है वो आयोग के सदस्य ही करेंगे। लेकिन अभिजीत, इस सब के बीच में ये भी तो पता नहीं होता ना कि इंटरव्यू देने वाले ने इंटरव्यू दिया कैसा और उसको मार्किंग देने वाले ने किस आधार पर उसकी मार्किंग की। ये सारी चीजें आपस में ही कन्विंस हो जाती हैं कि ठीक है, इसे इतने नंबर देने हैं, इसे इस पोजीशन पर लाना है, रैंकिंग दिलवानी है। और ये केवल एसआई भर्ती परीक्षा का मामला नहीं है, ये कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम हो उसमें ये फॉलो होता है। तो रूल्स को धता बताना, नियमों को ताक पर रखना, ये तो जैसे रोज का काम है। यही तो प्री प्लान कॉन्सिप्रेसी कही जाती है हार्दिक, पूर्व सुनियोजित षड्यंत्र यही है जी। आप अपने अपने तरीके से आपको मालूम है अगर आप बेईमानी कर रहे हैं तो उस बेईमानी में भी ईमानदारी रखने के लिए आप कुछ ना कुछ करते हैं। देखिए वापस से कुछ तस्वीरें हलचल यहां पर हमें देखने को मिल रही है, वो मैं इस बात को जाहिर रखूंगा, लेकिन उससे पहले सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा वहां जहां पे इनकी एंट्री होनी थी। उसके बाद अब इनको तीनों को वापस से जो है मुख्य कार्यालय की ओर ले जाया जा रहा है जहां पर इनसे पूछताछ की जाएगी। हां, मैं आपसे कह रहा था बेईमानी में ईमानदारी का, आप इसमें ये देखिएगा कि अलग अलग आपको मालूम है कि आपको फलाना फलाना व्यक्ति को ऑब्लाइज करना है, आपको मालूम है फलाना फलाना व्यक्ति के लिए फलाना फलाना बोर्ड बनेगा, क्योंकि आप सिस्टम का हिस्सा हैं। आप समझिए, आप सिस्टम का हिस्सा हैं, आप आरपीएससी के मेंबर हैं, आपके ऊपर सिर्फ चेयरमैन है और कोई भी नहीं है। तो आप जब सिस्टम को इतनी बेहतरी से इतनी बारीकी से जब समझते हैं तो उसमें सुराग कर पाना आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं होता है। ये काम उनके लिए मुश्किल है जो सिस्टम से बाहर हो। सिस्टम के अंदर रहने वाले अगर चाहेंगे तो एक सेकंड में सिस्टम में सुराग कर सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। अभिजीत, आप ये तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए, जी राजस्थान ये तस्वीरें सबसे पहले दिखा रहा है, आप इन तस्वीरों को दिखाते रहिए, अपने कैमरा सहयोगी से कहिएगा कि थोड़ा जूम इन करके दिखाएं कि किस किस की आने जाने की हलचल चल रही है। इसी बीच दर्शकों को बता देते हैं कि बात क्या हो रही है, आसान भाषा में पॉइंट वाइज समझाते हैं कि हो क्या रहा है। पॉइंट नंबर वन ये है कि 3 फरवरी 2021 को एसआई के 859 पदों पर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन भर्ती निकालता है। पॉइंट नंबर दो, 13 से लेकर 15 सितंबर 2021 को 3 दिन में दो दो शिफ्ट में दो दो पारियों में परीक्षा होती है। पॉइंट नंबर तीन, 802 परीक्षा केंद्रों पर 380,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठते हैं, लाखों लोग बैठे हैं। पॉइंट नंबर फोर, 24 दिसंबर 2021 को लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित होते हैं। इसके बाद 1 जून 2023 को 795 अभ्यर्थियों की एक अंतिम चयन सूची सामने आती है। ये वो लोग हैं जो नियम के अनुसार, मान्यता के अनुसार वो माने जाते हैं जो टॉप लोग हैं, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, जो पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, मेहनत के साथ चुने गए। मगर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 29 फरवरी 2024 को पेपर माफिया जगदीश बिश्नोई गिरफ्तार होता है। एसओजी ने 3 बार छापा मारा और आरोपी से 37 ट्रेनी एसआई पकड़े। 1 सितंबर 2024 को रामुराम रायका को गिरफ्तार किया, 5 ट्रेनी एसआई भी पकड़े गए। बिल्कुल, और देखिए लगातार ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार हमारे सहयोगी अभिजीत जो है वो पल पल की अपडेट आपको, हर एक हलचल जो है